कोयला व्यवसायी हरीश चंद्र प्रताप सिंह ने देव मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक कुंभनाथ सिंह और निदेशक लाल बाबू सिंह पर कोयला डीओ लगाने के एवज में प्रति टन 2500 रुपए रंगदारी मांगने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। हरीश चंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रति टन कोयला उठाव में 2100 रुपए निर्धारित की है, जबकि कुंभनाथ और लाल बाबू के गुर्गों द्वारा जबरन कोयला डीओ लगाने पर रंगदारी स्वरूप 2500 रुपए मांगा जा रहा है। रंगदारी किसी कीमत पर नहीं देंगे और कोयला के व्यवसाय में लगे अन्य व्यवसायियों से भी अपील है कि वे भी इस तरह की रंगदारी के खिलाफ आगे आकर विरोध दर्ज कराएं। मैं एक व्यापारी हूँ और कोजामा कोयलवरी में एरिया 10 में आता है, जो जिसका आउटसोर्सिंग के मालिक है कुंभनाथ सिंह और लाल बाबू सिंह, देव प्रभा कंपनी है। हाँ, तो वहाँ पे हम डीओ लगाए थे, तो 18 तारीख को मेरा गाड़ी गया था आपको लगभग 15 नंबर मेरा नंबरिंग के हिसाब से, और 15 नंबर से पहले का गाड़ी लोड होके निकल गया, 15 के बाद का गाड़ी भी लोड होना चालू हो गया, मेरा गाड़ी लोड नहीं हो, तो उसी कर्मा हम वहाँ पोजीशन पे जब गए माइंस में डंप पर कोल डंप में तो उनका आदमी जो थे वो रुकवा के बोले कि तुमको तुम्हारा दिमाग लगता है ठिकाने नहीं है, और तुम जो है बिना मेरा बॉस का परमिशन से, मेरा बॉस लाल बाबू सिंह कुंभनाथ सिंह के परमिशन से कैसे तुम यहाँ बिडिंग कर लिए, और बिडिंग कर लिए तो तुम पहले बात करो 2500 रुपये प्रति टन हम लोग का रंगदारी है, रंगदारी कहो या सेवा शुल्क कहो, अगर तुम पैसा देते हो तुम्हारा बेस्ट क्वालिटी का माल लोड कराया जाएगा, नहीं तो आपको जो छाई उधर रखा हुआ देख लो डंप में, डंप एरिया में कहीं भी कोयला नहीं है, देख लो जाके तुम घूम लो, केवल छाई रखा हुआ है और बेंड रखा हुआ है। तो हम के द्वारा ये कहा गया, फनी सिंह एक है, कौन है वो, उनके आदमी हैं जो कि वहाँ लोकल रंगदारी वहीं वसूलते हैं। फिर हम सूझबूझ मेरा काम ऐसा किया नहीं, हम मेरे पॉकेट में लगभग 20,000 रुपये था, हम 20,000 निकाले उनको दे दिए कि ना हम सिस्टम से ही काम करेंगे, हम कल देखते हैं धीरे धीरे पैसा देंगे, और देखे कि आदमी बुला रहे थे तो हम बोले भाई हम लोग दो आदमी थे, हमसे दो आदमी कहाँ उतना तो आदमी से भीड़ पाएगा, हम तुरंत समझदारी दिखा के भाग चले, क्योंकि पोजीशन पे तो हम लोग को तो कोई माफिया है नहीं, हम लोग तो व्यापारी हैं, गुंडा उन लोग पास है, हमारे पास तो भाई हम लोग अकेले ही चल देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या कि 20,000 देने के बाद क्या धंधा फिर से जारी किए कि रोक दिए? नहीं, तो 20,000 देने के बाद हुआ था कि भाई बाकी पैसा दोगे तब गाड़ी लोड होगा, एक गाड़ी का लोडिंग चार्ज नियर 50-60,000 रुपये से ऊपर हो जाता है, 25 टन गाड़ी में लोड होता है 2500 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो हम तो 20,000 दिए थे, 20,000 देकर हम भागेगा अपना जान छुड़ाने के लिए कि भाई कुछ हमला ना कर दे, अब हमला हो जाएगा तो फिर तो क्या आदमी कर पाएगा, तो हम वहाँ से निकल कर तुरंत भागे और सब जगह लिखित SSP साहब को DC मैडम को हर जगह हम लिखित सबमिट कर दिए, और अगला दिन पेपर में भी छपवा दिए वारदात, और उसके बाद हमको लगता है लगभग 3 से 4 दिन मेरा गाड़ी लोड नहीं हुआ, उसके आगे का 100 से भी ऊपर गाड़ी लोड होकर निकल चुका होगा, लेकिन मेरा पहला दिन का 15 नंबर गाड़ी लोड नहीं हुआ, ये तो साफ शो करता है कि रंगदारी के नहीं दिए इस कारण से लोड नहीं हुआ, और जहाँ तक BCCL के अधिकारी हैं सब खुद डरे हुए हैं, उनसे डरे अभी कुछ समय पहले आप लोग खुद पढ़े ही होंगे, कोई BCCL अधिकारी को जान से मारने का धमकी दे देते हैं किसी के ऊपर क्या क्या, और सब कोई तो लास्ट में दब के पैसे वाले हैं, दब के कंप्रोमाइज करते हैं या किसी भी प्रेशर में होके वो लोग बैक हो जाते हैं। कितना का डीओ लगाए थे? 2100 टन का हम डीओ लगाए थे। कितना उठा हुआ है कोयले का भी आपका? अभी अब बताते हैं, जैसे जो लिखित दिए हम DC मैडम से मिले, DC मैडम से मिलने के बाद हम SSP साहब से मिले, DC मैडम को बोलने पे, और SSP साहब ने सिंदरी SDPO साहब को बोल के मेरा कोयला उठाने के लिए
झरिया थाना ये तीसरा थाना प्रभारी को बोला गया, सुमन कुमार जी को बोला गया कि माल उठवाइए। तो पहला दिन तो केवल मेरा ही, मतलब हमको लगता परसों केवल मेरा ही दो गाड़ी केवल उठा, क्योंकि खराब क्वालिटी का माल गिरा हुआ था। हम उसके बाद भी बस बोलने पर हम उठा लिए, चलो भाई कम से कम उठा तो लें, रंगबाजों के खिलाफ तो कम से कम एक तो हम चाहते। मेरा मेन मुद्दा क्या है, हम चाहते हैं कि धनबाद का जो भी डीओ होल्डर हैं, जो भी कोयला व्यवसायी हैं, डरे नहीं। जिस प्रकार से अगर हम उठा रहे हैं, उसी प्रकार से सभी लोग उठाएं। डर खत्म करना चाहते हैं हम, रंगदारी खत्म करना चाहते हैं हम। मेरा और कोई मोटिव नहीं है, ना उसे पढ़े लेना, ना हम आप जानते होंगे ना हम ये सब चीज़ में रहते हैं भी नहीं है। हम अपना व्यापार करते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले घूमते हैं। FIR दर्ज कब करवाया? FIR दर्ज कराने के बाद उस समय इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन का माहौल होने के कारण DC मैडम से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अभी प्रशासन बिजी है, और प्रशासन अभी आप लोग 25-26 तक केवल रहिए, उसके बाद हम जो भी होता है आप लोग का सटीक मदद करेंगे और आप लोग का माल भी उठवा दिया जाएगा। हरीश चंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इसके विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ उपायुक्त और SSP को भी मामले से अवगत कराया गया है। SSP साहब से भी आश्वासन मिला कि नहीं, आपका 2100 टन का जो डीओ है वो उठवाने के लिए हम प्रशासन देंगे। क्या लग रहा? देखिए अब तो हमको देख के लग रहा है कि अब क्या होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमको अभी भी प्रशासन, आज भी 6 गाड़ी गई थी जिसमें से 4 गाड़ी हमारे जनकपुर में थी और 2 गाड़ी श्री राम करके उसमें थी। एक टिप भी माल नहीं चला और वहाँ पर बैंड रखा हुआ था। कोयला और पत्थर मिला के रखा हुआ था, जो कि ग्रेड 4 का ग्रेड 8 6 भी, 8 का 10 भी, वो तो समझिए पत्थर है, पत्थर का ग्रेड क्या होगा, उसका कोई ग्रेड ही नहीं है। 24,000 रुपया पर गाड़ी हमको चाहिए। कौन है जॉनी पासवान? वही क्या है, LB ललन पासवान का भाई है। ये लोग कुमनाथ सिंह, लाल बाबू सिंह के लिए पर्सनल काम करते हैं और वो बोले कि 24,000 रुपया हमको चाहिए। हम बोले कि यहाँ का लेबर लोडिंग 1,850 रुपया निर्धारित किया गया है यूनियन द्वारा, 1,850 रुपये यूनियन और मैनेजमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है, हम वो देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। और मैं गाड़ी वहाँ पर छोड़ के चलाया, मैं जब गाड़ी छोड़ के चलाया तो हरीश बाबू ने थाना प्रभारी तीसरा को फ़ोन किए, तो फ़ोन करने के बाद हमें बुलाया गया शाम को 6:30-7 बजे करीब। थाना प्रभारी और ललन पासवान, जोनी पासवान, शिव पासवान वहाँ पर आए और बोलने लगे कि नहीं, हम लोग को यही है, हम लोग का घर द्वार है, हम लोग यहीं पर कमाते हैं, इसी से कमाते हैं। 24,000 चाहिए। तो हम बोले कि आप लोग का कोई निर्धारित किया होगा ना मैनेजमेंट या यूनियन वाले, तो बोले कि हम लोग को उससे मतलब नहीं है। तो हम बोले कि जिस यूनियन में आप हैं, जनता मजदूर संघ में, वो तो मनीष बाबू डायरेक्ट डंके के चोट पे कह रहे हैं कि 1,850 रुपया लेबर का जो है पर ट्रक देना है, उसके अलावा अगर कोई मांगता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। यह मनीष बाबू ने कहा, ठीक। ये उसके बाद हम जब वहाँ गए, हमारी गाड़ी की फ़ोटो, हमारे दोनों ट्रक की फ़ोटो, हमारी फ़ोटो तीसरा थाना प्रभारी खींचे। खींचने के बाद गाड़ी को कल ये मसला में गाड़ी शाम को 7 बजे डंप से कांटा पर गई, जिसके कारण कल गाड़ी मेरी कांटा नहीं हो पाई और आज भी दिन भर लाइन कटे रहने के कारण अभी कांटा हुई है। और सबसे बड़ा बात यह है, गौर करने की बात यह है, जो हमारा बिडिंग हुआ था वो पेलोडर लोडिंग का बिडिंग हुआ था, उसमें जो BCCL के द्वारा जो दिया गया है नॉम्स, जो है नॉम्स में 234 का कोयला पेलोडर से लोडिंग होता है, उसके बाद भी हम लोग 1,850-1,850 रुपया दे रहे हैं लेबर को, एज ए मतलब जो भी कही रहे गुजर के लिए, जो भी उसको कहा जाए।
लेकिन उसके बाद ये 24,000 कहाँ से, 24,000 का क्या हिसाब है? अगर मान के चलिए सपोज डैट एक सिंपल भी मानते हैं हम लोग कि 10 लेबर अगर मिल के करता है कोयला लोड, बहुत होगा तो 10 लेबर का डेली वेजेस जो सरकार से 600 रुपया, 6,000 रुपया, 6,000 में मेरा 2 गाड़ी 3 गाड़ी लोड कर सकते हैं, उसके बाद ये कहाँ से 24,000 रुपया? तो क्या मांग करते हैं? हरीश ने बताया कि रंगदारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब जरूरत पड़ने पर इस मामले में कोल इंडिया के चेयरमैन, कोयला मंत्रालय और सीबीआई ईडी तक शिकायत करेंगे। हम मेरा अगला है कि मैं सीबीआई को लिखित दूंगा, मैं ईडी को लिखित दूंगा, मैं इनकम टैक्स में लिखित दूंगा, मैं माइनिंग डिपार्टमेंट में लिखित दूंगा, जो कि जियोलॉजिकली पूरा देखिए क्या होता है, जैसे जमीन होता है जैसा पेपर है नापने का चीज़ है, वो नापी में हमेशा निकलेगा, आज नापिए या 100 साल बाद नापिए, जितना जमीन था उतना निकलेगा ही। मानहानि का दावा आपके ऊपर ठोका गया है, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे? काहे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे भाई, 100 करोड़ में है का कि देंगे हम उनको, हम तो लड़ेंगे। मतलब ये अरे भाई, हम जो हैं रंगदारी के खिलाफ दरवाने के लिए, अरे भाई वो सोच रहे होंगे, फिल्म देखते होंगे कि भाई हम फलानवा बाबू हैं, हम बजाज हैं, हम ई हैं, तुरंत नोटिस भेजो कि भाई मेरा मान हानि। अरे भाई, मान होता चाहिए ना हानि होने के लिए। ठीक ठीक, हम लेकिन फिर भी हारेंगे नहीं, हम लड़ते जाएंगे, यहाँ जिला में लिखेंगे, यहाँ नहीं होगा तो हम कोल का, कोल इंडिया का मेन ऑफिस है कलकत्ता, वहाँ लिखेंगे, वहाँ से नहीं होगा तो हम सेंट्रल में लिखेंगे दिल्ली, हम रुकेंगे नहीं। कोई सोच रहा होगा 2-4 दिन डरा दे धमका दे, क्या होगा, मेरा 10-20 लाख डूबेगा? रंगदारी खत्म करने के लिए हम 10-20 लाख डूबाने के लिए तैयार हैं। हम केंद्रीय एजेंसियों से की भी मदद लेंगे क्या? एकदम लेंगे, अभी सुनिए, हजारों गाड़ी रात में पार होती है, NTST जीनागाड़ा, भौरा, कुजामा, सबको तो मालूम ही होगा, जो रोड पे गाड़ी पकड़ाता है वो कहाँ से निकलता है? अब तक आप खुल कर आए हैं अपने मामलों को, हाँ, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो क्या धनबाद में और भी जगह ऐसा होता है क्या रंगदारी के लेकर के, तीसरा थाना के अलावा? लाल बाबू सिंह नियर अबाउट जो भी कोइलवरी सब में होता है, साफ साफ खुले आम। वहीं हरीशचंद्र प्रताप द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में जब LB सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो संपर्क नहीं होने के कारण उनका पक्ष नहीं आ सका, लेकिन टकराव की आशंका से लोधना एरिया क्षेत्र के कुजामा लोडिंग पॉइंट पर सेल्स अधिकारी ने शनिवार से ट्रक लोडिंग बंद करा दी है। इस संबंध में तीसरा थाना प्रभारी ने वरीय अधिकारी को पत्र देकर बताया था कि लोडिंग पॉइंट पर अगर कोयला लोड होता है तो विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जानकारी के अनुसार इस बार यहां 24,000 टन का DO आया है, जहां पेलोडर से ट्रक में कोयला लोड किया जाता है। पत्थर छाटने का काम असंगठित मजदूर करते हैं।